2021 में क्या कहती है मूलांक 6 से जुड़े लोगों की किस्मत कनेक्शन। शोहरत मिलेगी या फिर नाकामियां, धन के भंडार भरेंगे या फिर खाली रहेगी जेब, रिश्तों में तकरार रहेगी या फिर बढ़ेगी मोहब्बत, स्वस्थ शरीर रहेगा या फिर लगेंगी बीमारियां। जानिए 2021 को लेकर मूलांक 6 से जुड़े लोगों का भविष्य। नमस्कार, हरिद्वार के गंगा घाट से एक बार फिर मैं और मयंक शर्मा जी आपके लिए लेकर आए हैं कि आखिरकार मूलांक 6 वालों के लिए नववर्ष 2021 कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उन्हें इस साल मिलने वाला है और इस साल क्या उनकी 6 पर 6 लगने वाली है, जानेंगे हम मयंक शर्मा जी से जी। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार आप कैसे ये मालूम करें कि आपका मूलांक 6 बनता है या नहीं। मयंक जी जी बिल्कुल, देखिए मूलांक 6 वालों को आप कैसे जाने कि आपका मूलांक 6 है। अगर आपका जन्म किसी भी माह की 6 तारीख को होता है, 15 तारीख को होता है या 24 तारीख को होता है, तो मान लीजिए कि आपका मूलांक 6 होगा। इस दिन पैदा हुए व्यक्ति 6 मूलांक से प्रभावित होते हैं और 6 मूलांक का स्वामी जो है वो शुक्र माना गया है। शुक्र जो कि बहुत ही विलासतापूर्ण ग्रह है, सौंदर्य प्रेमी है जी। और ग्लैमर का कारक माना जाता है, सुख साधन का कारक माना जाता है, वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। तो इस दिन पैदा हुए व्यक्ति जो हैं वो बहुत ही भाग्यशाली लोगों में एक होते हैं और जीवन में बहुत अच्छी तरक्की ये लोग करते हैं। चलिए, ये तो सबसे बहुत दिलचस्प बात है। शुक्र ग्रह जो कि भोग विलासिता सुख साधन का सबसे बड़ा कारक माना जाता है और दूसरी तरफ नववर्ष 2021 जिनका ग्रह बुध ग्रह, और बुध और शुक्र में कैसी ट्यूनिंग रहती है मयंक जी? देखिए बुध और शुक्र एक दूसरे के मित्र माने गए हैं, तो बुध और शुक्र के जब एक साथ आने के कारण आपको बहुत अच्छा ये लक्ष्मी योग बनेगा और धन लाभ अच्छा होगा, आपको काफ़ी अच्छी तरक्की होगी। ये साल आपके लिए नई ऊंचाइयां छूने का होगा जी। कुल मिलाकर आपको ये साल पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा यादगार आपके लिए साबित होगा। पिछले साल भी आपने काफ़ी कुछ अच्छी तरक्की करी है, लेकिन ये साल कुछ मायनों में आपके जीवन में नई ऊंचाइयां छूने का रहेगा। यानी कि ये समझे कि इस नव वर्ष में 2021 में आपकी जो तरक्की है वो डबल होने वाली, जो भी आपको कुछ मिलेगा डबल मिलेगा, दो गुना मिलेगा। बिल्कुल। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भाई मूलांक 6 वालों का स्वभाव कैसा होता है, क्या वो खास चीज़ें होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं, या फिर यूँ कहें कि उनकी ताकत के तौर पर हम देख सकते हैं। देखिए मूलांक 6 वालों के अंदर गजब की आकर्षण क्षमता होती है, क्योंकि शुक्र है जी। और इस दुनिया में शुक्र से ज़्यादा आकर्षक ग्रह कोई नहीं है। जैसे ज्योतिष में हम कहते हैं कि वृषभ राशि या वृषभ लग्न, तुला राशि या तुला लग्न जिनका स्वामी शुक्र होता है उनके अंदर सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में अगर कोई मूलांक है तो नंबर 1 पे मैं मूलांक 6 को दूंगा, जिनके अंदर गजब का आकर्षण सबसे ज़्यादा माना गया है। और ऐसे व्यक्ति जहाँ जाते हैं, जहाँ बैठते हैं, अपनी छाप छोड़ देते हैं जी। लोग इनसे बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते हैं। मूलांक 6 के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, बड़े प्यार से बात करना, सबको रिस्पेक्ट देना, मधुर वाणी, मधुर स्वभाव इनका रहता है, सबकी इज्जत करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, छोटों को प्यार करते हैं, बहुत अच्छे मित्र होते हैं और बहुत जल्दी ये दोस्ती कर लेते हैं। मतलब इनके फ्रेंड्स आपको बच्चे भी मिलेंगे, बुज़ुर्ग भी मिलेंगे, अपनी एज से बहुत कम और बहुत ज़्यादा उम्र के इनके मित्र बनते हैं। बहुत ही मिलनसार होते हैं, फ्रैंक होते हैं, जल्दी घुल मिल जाते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाएंगे, बड़ों के साथ मैच्योर हो जाएंगे। तो इनकी बहुत बड़ी खासियत है, लग्जरियस लाइफ जीने का इनकी चाह होती है, उसके लिए मेहनत करते हैं। अपनी ज़िंदगी को कितना विलासतापूर्ण बनाया जाए, कितने सुख साधन बढ़ाए जाएँ, ये इनकी खासियत रहती है, उसको बढ़ाने के लिए ये मेहनत करते हैं। और इनके जीवन में सुख, ऐश और आराम की बहुत इंपॉर्टेंस है शुक्र के कारण। तो ये बहुत खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद रखते हैं लोग। लेकिन मयंक जी, किन कमियों के चलते इनको थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो होती हैं? देखिए मूलांक 6 वालों को लॉयल होना बहुत ज़रूरी रहता है। इनका देखा है कि इनका कहीं ना कहीं मूलांक 6 अगर आपका है या आपका भाग्यांक भी अगर 6 हो गया, दोनों चीज़ अगर सेम हो जाती है, तो आपके अंदर लव रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक से ज़्यादा पार्टनर आपके हो जाते हैं। शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कहीं ना कहीं सीन बन जाता है, परिस्थिति बस ऐसी चीज़ें बनती हैं तो जो आपकी बदनामी का कारण बन सकती हैं, या भोग विलासता में आप ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं,
इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, इन चीज़ों से, अन्यथा आपको बदनामी समाज में मिल जाती है जी। दूसरा, ये खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, इनका बजट जो है ना वो बिगड़ जाता है। ये अगर प्लान करके चलते हैं कि मुझे 10,000 रुपये की शॉपिंग करनी है, तो पता लगा 15 या 20 की करके लौटते हैं, तो एक वेल प्लान करके चलें, इसी वजह से इनका मासिक बजट भी बिगड़ता है, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, और ये बजट ख़राब होने के कारण इनको बड़े ही तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, और कभी कभी इनके वैवाहिक जीवन में भी तनावपूर्ण स्थितियाँ रहती हैं इनकी, कुछ हरकतों के कारण, कुछ गलत आदतों के कारण। तो अगर आप इस चीज़ में बदलाव लाएंगे तो आपसे बेहतर इंसान शायद ही कोई मूलांका हो, बहुत ही आकर्षक। और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो पार्टनर हो, मेरा जो फ्रेंड हो, मेरा लाइफ पार्टनर हो, मेरा बिजनेस पार्टनर हो, मूलांक 6 वाला हो, क्योंकि बहुत अच्छे मित्र होते हैं, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं और ना ही इनके एनिमीज ज़्यादा होते हैं। चलिए, ये तो हमने जाना है कि आखिरकार मूलांक 6 वालों का स्वभाव क्या हो, कैसा होता है, उनकी खामियां और उनकी, हमने बात की उनकी कमजोरियां, आप ही कहें कि खूबियों के बारे में। चलिए, अब आइए फटाफट से जान लेते हैं कि नव वर्ष 2021 इन लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है इस बार। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई इनकी सेहत कैसी रहेगी पूरे साल। लेकिन इनकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी इस वर्ष में, कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। लेकिन जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है, शुगर की दिक्कत है, उनको थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा कोई बड़ी गंभीर परेशानी इस वर्ष में आपको नहीं रहेगी। तो सेहत के लिहाज से समय अच्छा है। मयंक जी, इसके साथ साथ अगर बात की जाए इनके, जो लोग जॉब्स में हैं और जिनका अपना खुद का बिजनेस है, तो क्या कुछ उतार चढ़ाव इनको देखने पड़ सकते हैं? क्योंकि अगर पिछले वक्त से अगर इनका बिजनेस उतना नहीं चल पा रहा है, तो आने वाला समय इनके लिए कैसा रहेगा इनके कार्यक्षेत्र को लेकर? देखिए, कार्यक्षेत्र के हिसाब से काम कारोबार के लिए इनका समय बड़ा अच्छा रहेगा, नौकरी व्यवसाय में भी तरक्की मिलेगी, लेकिन इस साल इनका खर्च भी काफ़ी होता रहेगा। तो खर्च के मामले में उतार चढ़ाव बना रहेगा, यानी कभी इनकम बहुत ज़्यादा तो कभी खर्च बहुत ज़्यादा, ये सिलसिला बना रहेगा। इनके आर्थिक पक्ष पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले लव रिलेशनशिप्स में इस बैंक का कैसा रहने वाला है, किन अंकों से इनका आकर्षण या फिर इनका लगाव ज़्यादा रहता है? देखिए, 2 मूलांक से ये बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, 5 मूलांक हो गया और 9 मूलांक हो गया, ये ऐसे मूलांक हैं। इनके साथ इनका बहुत अच्छा तालमेल बनता है, लव रिलेशनशिप हर तरीके से बहुत अच्छी इनके साथ बनती है। तो इस चीज़ का इनको सिर्फ यही ध्यान रखना चाहिए, इनको लॉयल होना बहुत ज़रूरी है अपने पार्टनर के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, फिर इनकी कोई इनको परेशानी नहीं आती है। मैं जी, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग रहने वाला है? क्योंकि आपने शुरुआत में ही एक हिंट तो दे ही दिया था कि भाई 2 गुना मिलेगा, मतलब कितनी तिजोरियाँ, कितने इनके धन के घड़े इस साल भरने वाले हैं? देखिए, इस साल इनको काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल गेन होगा, बिजनेसमैन को बहुत फ़ायदा होगा और अच्छा खासा बड़ी, अगर हम बात करें, बड़ी तादाद में आपको धन लाभ होगा, खर्च भी होगा लेकिन लाभ आपके लिए अच्छा रहेगा, और पिछले साल के मुकाबले ये साल आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा आर्थिक स्थिति के हिसाब से। महंगी, सबसे बड़ी बात, क्या ये लोग इस साल सेविंग कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट के तौर पे, इनके लिए ये साल कैसा रहेगा? देखिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ये समय आपके लिए बढ़िया है। अगर आप कोई मकान या वाहन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है जी। और कुल मिला के आपके लिए सेविंग के लिए भी ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहने वाला, तो धन आएगा भी, खर्च भी होगा, लेकिन सेविंग के लिए भी आप काफ़ी पैसा इस वर्ष में जोड़ पाएंगे। चलिए महंगी, कोई छोटी मोटी सावधानियां जो आपको लगता है इन्हें पूरे साल बरतनी चाहिए? देखिए, इनको हमेशा ये सावधानी बरतनी चाहिए, ना कि इस साल, बल्कि हमेशा ये सावधानियां रखें। एक तो लॉयल रहें अपने पार्टनर के लिए, खर्च में वृद्धि से बचें, अननेसेसरी फिजूल खर्ची से इनको बचना चाहिए, वो ये बहुत ज़्यादा कर देते हैं और फिर इनकी चीज़ें, फिर इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इस चीज़ से बचेंगे तो कोई ऐसी परेशानी नहीं फिर आपको रहने वाली है। शुक्र का इन लोगों पर प्रभाव रहता है, तो उपाय? देखिए, इनको इस समय क्या करना चाहिए कि शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का, दूध दही चावल का दान करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। और जो कन्याएं हैं उनको इनको वस्त्र इत्यादि, खाना इत्यादि या सफ़ेद रुमाल देना चाहिए जी। और सुगंधित चीज़ें जैसी हैं, जैसे कि आपका इत्र, परफ्यूम, इन सब चीज़ों का दान करते रहना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि किसी महिला को आप इस तरह का गिफ्ट दे सकते हैं। और शुक्र का दान जो है यंग लेडी को जाता है, तो ये दान अगर आप उनको उनको गिफ्ट कुछ करें ऐसा, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और बहुत अच्छा आपके लिए साल साबित होगा। चलिए, ये तो आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना हरिद्वार के गंगा घाट से कि आखिरकार मूलांक 6 वालों के लिए खास तौर पे 2021 कितना खास रहने वाला है।